हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास नो मैथ। देखिए, सवाल दिया है, एक खेत समलंब के आकार का है। समलंब बना रहा लो। हो गया। हो गया। चल, इसमें कह रहा है उसने समांतर भुजाएं 25 और 10 मीटर हैं। 25 और 10। देखिए, ठीक है, तो पच्चीस हो गए, ये 10 हो गई, तो ये कितनी हो गई? ये 15 हो गए। ये लंब डाल दिया। ठीक है, अब कह रहा है असमांतर हो जाए 14 और 13 मीटर। ठीक है, ई एम। ठीक है, जो यहाँ पे बी ई है हमारी, वो ए डी के समांतर है। इस बात को आप दिमाग में रखना है। क्या मैंने बोला है? बी ई समांतर ए डी। ठीक है, और जो ये बी एम है वो लंब है, ई सी पर लंब है बी एम। अब देखिए, त्रिभुज बी ई सी में ए बराबर 13, बी बराबर 14, सी बराबर 15, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 13, 14, 15 बटे 2 कितना हुआ? 9, 3, 12, 1, 2, 3, 1, 4 बटे 2 कितना हुआ? 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना, मीटर में था, तो 21 मीटर। ये सब भी मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में था। इतना हो गया। अब त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल क्या फार्मूला है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आ रहा है? ठीक, आ रहा है। हो गया, आगे। त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बराबर एस, एस का मान कितना है? 21, 21 माइनस ए 13, 14 और 15। इसको हल करो, कितना होगा? 21, 8 और 7 और ये हो जाएगा 6। चलिए, अब आगे आ जाइए। अब क्या होगा? 21 को लिखेंगे 3 × 7, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 7 ऐसे ही रहेगा, 6 को लिखेंगे 2 × 3, जोड़ा बनता जाए, बाहर निकालते जाओ।
जोड़ा बनता जाए, बाहर निकालते जाओ। थोड़ा कराओ, 2 दुनी 4 3 62 84 वर्ग मीटर निकल आया। अब आ गया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ABDM का या ABDE का क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमें जो है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए इस वाले को निकालने के लिए ये भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या पड़ा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकाला था 84, 1/2 आधार, आधार है EC, कितना है 15, ऊंचाई, ऊंचाई ये है BM, ज्ञात नहीं है तो गुणा करा दो, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, और ये देखिए गुणा में है, बटे में आ जाएगा BM, हो गया। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 55 15 55 15 38 18, क्या हुआ, BM बराबर 56/5 हो गया। इसके बाद में आगे देखिए, अब समांतर चतुर्भुज ABDE ABED का क्षेत्रफल, ABED का क्षेत्रफल चेक कर लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए लास्ट वाली जो लाइन है वो यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर 21 × 8 × 7 × 6। अब चेक कर लेता हूँ, तो समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, 10, ये भुजा समांतर भुजा ये हो गई, और ये आपके ये समांतर भुजा कितनी है बोलो, कितनी थी BM, कितनी है 56/5, 5 दुनी 10, 6 दुनी 12, 5 दुनी 10 11, 112 वर्ग मीटर आया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समलंब, समलंब समलंब था ना, हाँ समलंब ABCD, समलंब ABCD का क्षेत्रफल। देखो इसमें कौन कौन सी आकृतियां आ रही हैं वो चेक करो पहले। सबसे पहले इसमें जो है दो आकृतियां हैं, एक तो है त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल और दूसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितना था 84, और समांतर चतुर्भुज का 112, तो जोड़ दीजिए 196 वर्ग मीटर, नोट कर लीजिए इसको। धन्यवाद।